हेलो गाइस, वेलकम टू श्रेय आर्टिस्ट। ये हैं हमारी कहानियाँ। मैं हूँ रणधीर प्रताप सिंह और मैं हूँ कोमल सिंह सीरा। और ये कहानी है श्रेय आर्टिस्ट से भी पहले की। माइल्स ऑन बाइक और श्रेय आर्टिस्ट से पहले भी हम ट्रैवलर्स थे और हमारी सारी कहानी और सारी जर्नीज के बारे में आप जानते ही हो। लेकिन कुछ जर्नीज और कुछ बातें हमारे चैनल से पहले भी हुई थी जिनका जिक्र हमने कभी नहीं किया। लेकिन अब हम आपसे वो कहानियाँ भी शेयर करेंगे और इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है हमारी पहली बाइक राइड की। रणधीर वॉज ऑलवेज अ बाइकर, ही लव्ड बाइक्स एंड वो बाइक से काफ़ी ट्रैवल करता था। बट आई लाइक्ड बाइक्स और मेरी बाइक की फैसिनेशन तब स्टार्ट हुई जब मैं बीकानेर में थी। जब भी मेरे पापा ऑफिस से आते थे तो मैं उनकी बाइक को घर के अंदर करती थी। हम जब भी मिलते थे मैं इसको अपनी सारी फोटोज और अपनी सारी वीडियोज दिखाया करता था, अपनी जर्नीज की, अपने बाइक राइड्स की जो मैंने अपने दोस्तों और अपनी फैमिलीज के साथ किए होते थे। मैं उस टाइम पर ब्लॉगर नहीं था पर मैं एक वो इंसान था जिसके पास अपना सारा डेटा पड़ा होता था सारे ट्रिप्स का। मैं अपने लिए हमेशा एक फोटो और एक वीडियो लॉग रखता था ताकि मैं उनको फ्यूचर में चेरिश कर सकूं। तो मेरे पास बहुत डेटा होता था तो मैं इसको जब भी अलग अलग फोटोज और अपने अलग अलग ट्रिप्स की वीडियोज दिखाता था तो एक बात बहुत अलग होती थी कि ये एक्चुअली उनमें इंटरेस्ट दिखाती थी। जो मेरी दूसरी फ्रेंड्स होती थी अगर मैं उनको बाइक ट्रिप से रिलेटेड कुछ भी दिखाता था तो पहली बात उनका इंटरेस्ट आता ही नहीं था। बाइक ट्रिप और बाइक ट्रैवल उनके लिए एक ऑप्शन ही नहीं था। तो कार में मुझे मज़ा नहीं आता था और मतलब फिर हमारा उस तरीके से बॉन्ड बन नहीं पाता था और कनेक्ट नहीं हो पाता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता जब कोमल मेरी बाइक जर्नीज में और बाइक ट्रिप्स में और बाइक राइड्स में इंटरेस्ट दिखाती थी। तो रणधीर की काफ़ी सारी बाइक ट्रिप की फोटोज देखने के बाद रणधीर ने मुझसे एक दिन पूछा कि क्या हम एक बाइक ट्रिप पे चलें। तो मैंने कहा व्हाई नॉट। ये शौक हो गया, इसे लगा कि मैंने शायद सुना नहीं, तो इसने मुझसे फिर से पूछा। मैंने बोला है बाइक राइड पे, मैंने कहा हाँ बाइक राइड चलते हैं। ये मुझसे बार बार कंफर्म कर रहा था कि क्या मुझे सही में बाइक राइड पे जाना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप अगर बाइक राइड पे जाते हो तो थक जाते हो, बाइक राइड की आपको आदत नहीं होती है। तो इसलिए वो कंसर्न था और वो बार बार मुझसे पूछ रहा था कि नैनीताल बहुत दूर है, सोच ले बाइक राइड फर्स्ट टाइम। तो एक तरीके से ये मुझे मेंटली और फिजिकली रेडी कर रहा था कि बाइक राइड है, नैनीताल जाना है, दूर है, क्या मैं कर पाऊंगी। लेकिन मेरा आंसर हमेशा की तरह यस होता। फिर हमारा कंफर्म हुआ कि हम बाइक राइड पे जा रहे हैं नैनीताल और फिर हुई हमारी पैकिंग शुरू। हमारे पास प्रॉपर गियर नहीं था, इनफैक्ट गियर ही नहीं था, बेसिक हेलमेट और बस एक प्यारी सी बाइक। हमें ट्रैवल करना आता था, बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी और ना ही हैं। सो वी बीइंग अ ट्रैवलर सेल्फ वी स्टार्टेड द राइड एट 4 AM इन द मॉर्निंग और हमने अपने रेगुलर बैग्स पैक करे। और तुझे ध्यान है कि हमने बंजी कॉर्ड से अपने बैग्स को साइड में बांधा था, हमारे पास कोई प्रॉपर गियर नहीं होता था तब। तो बंजी कॉर्ड से अपने रेगुलर बैग्स को हमने अपनी बाइक पे बांधा और बैग्स में सिर्फ कपड़े और एक कैमरा था। दिसंबर का टाइम और नॉर्थ की एक्सट्रीम ठंड, हमारी बाइक, एक कुकू, एक शुभू निकल पड़े थे अपनी फर्स्ट बाइक राइड पर। धुंध बहुत ज्यादा थी और विजिबिलिटी बहुत ही कम और हमने ऑलमोस्ट 2 घंटे में सिर्फ 50 किलोमीटर कवर किए होंगे, शायद वो भी नहीं। हम ठंड बेयर नहीं कर पा रहे थे और ग्रेटर नोएडा जस्ट क्रॉस करने के बाद हमने एक चाय वाले ठेले की शॉप पे रुका जो एक बहुत ही प्यारा सा ठेला था। उन्होंने छोटी सी अपनी आग जलाई हुई थी जहाँ पे हमने रुक के सेक लिया। वो सुबह की चाय आज भी आराम देती है। वहां से निकलने के बाद शायद हमने हापुर पे ब्रेकफास्ट किया था। उसका नाम था शिवा ढाबा शायद। नहीं, शिवा ढाबा वृंदावन वाले हाईवे पे था, मेरे को खुद भी रिकॉल नहीं हो रहा। आई गेस यादव था, कोई भाई था शायद, भाई ढाबा था वो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। धूप अभी तक नहीं निकली थी और हमने अपना हाईवे का फर्स्ट ब्रेकफास्ट कर लिया था। और उसके बाद हम निकले थे आगे मुरादाबाद पहुंचने के आसपास, शायद धूप निकली थी। याद आ गया। और फिर हमारी जान में जान आई थी, मतलब वो सूरज हमने सुबह से देखा नहीं था और जब वो धूप निकल कर आई थी ना, 3-4 लेयर की जैकेट्स के बाद वो धूप सीधा अंदर आ रही थी और वो धूप याद है। फिर राइड में थोड़ा मजा आने लगा और राइड सजा कम लगने लगी।
हमने बरेली हाईवे को एग्जिट किया और अब हम फिर मुरादाबाद की तरफ जाने लगे और फिर वहाँ से हमने एक स्टेट हाईवे पकड़ा और पूरी दोपहर हमने उस स्टेट हाईवे पर बाइक चलाई। हमने कोई भी मेजर ब्रेक तब तक नहीं लिया था, हमने जो सुबह का ब्रेक लिया था एक वो था और बस बीच में कुछ वाटर ब्रेक्स और कुछ किटकैट ब्रेक्स लिए थे। शाम होने से पहले हम जिम कॉर्बेट के पास पहुंच चुके थे और वहां से जो रोड स्टार्ट हुई वो आज भी हमारी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रोड्स है। उस रोड पर बहुत सारे मंकीज थे, मतलब बहुत सारे मंकीज और रोड की दोनों तरफ पेड़ थे और धूप अंदर आ नहीं पा रही थी। इट वॉज अ ब्यूटिफुल मोमेंट। इट वॉज देन दैट वी रियलाइज दैट दिस इज वॉट ट्रूली मेक्स अस हैप्पी। खत्म हुई तो दूर हल्के हल्के माउंटेन्स दिखने स्टार्ट हुए और उसे देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली। तो वो मेरी फर्स्ट बाइक राइड थी माउंटेन्स पे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि जब आप बाइक पे होते हो तो आपको 360 डिग्री व्यू होता है, साथ में जो आप हवा और जो सारा एरिया है वो फील कर पाते हो, तो वो अमेजिंग था मेरे। फिर स्टार्ट हुए माउंटेन्स और सरप्राइजिंगली नैनीताल वाली रोड पे ट्रैफिक बहुत कम था। नैनीताल में हमेशा बहुत ट्रैफिक ज्यादा दिल्ली के पास वाली लोकेशन में से है एंड बहुत लोग वीकेंड्स पे जाते हैं। और जब वो माउंटेन लूप स्टार्ट हुई, आसपास पेड़ थे, सड़क ऐसे ऐसे जा रही थी, पेड़ों से पत्ते गिर रहे थे, वो इतना मैजिकल, इतना ब्यूटीफुल था, इतना सीरीन था, इट वॉज लाइक अ पोएम एंड आई वॉज ग्लैड कि मैं इस बाइक ट्रिप पे आई। उस रोड का एसेंस बहुत खूबसूरत था। नैनीताल मीन्स नाइन लेक्स और नैनीताल आने से पहले एक छोटी सी लेक आई थी एंड इट वॉज नॉट दैट अमेजिंग, सो वी डिसाइडेड नॉट टू स्टॉप देयर एंड वी वेंट फर्दर अप। जब एक बेंड के बाद नैनी झील दिखी, आई एम टेलिंग यू गाइज, वी वर awestruck by its beauty. It was beautiful and it was something that we had never seen before. And हमने decide किया कि हमारे को होटल रूम जो लेना है वो मॉल रोड पर ही लेना है so that we can look at this lake all the time. And we got a nice room at a nice price on Mall Road thanks to Komal's bargaining skills. And let me tell you guys, we had not booked any hotels beforehand. It was all done at that time only. हमने कोई होटल, हमने कुछ भी R&D नहीं करी थी, हम गए खड़े पैर, हमने वहाँ पर सब कुछ करा एंड सब प्लान आउट हो गया था। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको एक बहुत लंबी आइटनरी हम बनाते थे, जैसे हम अब बहुत ज्यादा प्लान करके जाते हैं, पूरी आइटनरी हमारी रेडी होती है उसके बाद हम जाते हैं। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले बस बाइक राइड पे जाना था, सुबह निकलना है, चले गए। ट्रैवल करना तो वही होता है, वो तो अब हमारे को आप लोगों के लिए कंटेंट भी बनाना होता है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर हम घूमने जा रहे हैं तो उसके साथ एक जॉब भी करनी है। और अब अगर हम घूमने जाएं और अगर हम कैमरा ना लेकर जाएं, अगर अब हम ना रिकॉर्डिंग करें, तो अब हमारे को ऐसा लगता है हम कोई गिल्ट ट्रिप में आ गए और वो ट्रिप कम और टॉर्चर लगने लगता है, क्या क्यों आ गए भाई, क्यों आ गए, शूटिंग कर ही लेते ना। We did it.
हम नैनीताल सेफली पहुंच चुके थे। काफी थक गए थे बाइक राइड से, लेकिन स्टिल हम में एक एक्साइटमेंट थी, इसीलिए हम नैनीताल की मॉल रोड पे घूमने के लिए निकले। हमने आसपास का एरिया एक्सप्लोर किया और अच्छा सा डिनर किया। आफ्टर दैट वी सैट नियर द लेक फॉर अ व्हाइल एंड देन वी वेंट बैक टू आवर होटल एंड वी कॉल्ड द डे ऑफ। इट इज अ जर्नी वेरी क्लोज टू आवर हार्ट एंड इट वाज अ राइड व्हिच वाज ओनली फॉर आवरसेल्व्स, पर हमें लगा कि हमें शायद आप लोगों से ये शेयर करने की जरूरत है एंड सो हमने करी। हमारी चाय खत्म हो चुकी है, मगर हमारी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। हम इस स्टोरी को अपने नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये स्टोरी में बहुत कुछ बचा है। हम काफी दिन नैनीताल रुके थे और हमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपसे शेयर करनी है। हमारी काफी एक्टिविटीज हैं जो हमने नैनीताल में जाके की, जिसकी स्टोरी हम आपसे शेयर करेंगे। तो आप तब तक उस कहानी का इंतजार करो और इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो हमने कैमरा में कैप्चर नहीं करे, वो हम आपसे शेयर करेंगे ऐसी ही कहानियों के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, इस वीडियो को प्लीज शेयर करना, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डू हिट द बेल आइकन गाइस। वेयर डू वी गो नाउ।